एपिसोड 1 और 2 में अभी तक आपने देखा कि रचित के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवाने के लिए सुल्तानगढ़ जाते हैं और वो लोग जंगल में फंस जाते हैं क्योंकि बीच रास्ते उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। मम्मी और रंगीला गाड़ी को धक्का लगाने के लिए उतरते हैं लेकिन अचानक से वो लोग गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उन लोगों को जंगल में ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत ढूंढने के बाद मम्मी और रंगीला अजीब सी हालत में उन लोगों को गाड़ी के अंदर ही मिलते हैं। फिर मम्मी जबरदस्ती उन सबको एक बंगले पर लेकर जाती है जो कि बहुत ही भूतिया होता है। उस बंगले का चौकीदार आकर उन लोगों को अंदर जाने से रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रंगीला चौकीदार से चाबी लेके सब लोगों को बंगले के अंदर ले जाता है। बंगले में पहुंचने के बाद मम्मी और रंगीला फिर से गायब हो जाते हैं और जैसे ही सब लोग उन दोनों को ढूंढना शुरू करते हैं वैसे ही बंगले में भूतिया हरकतें शुरू हो जाती है जिसको देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। और फिर होता है वो जिसका सभी को डर था, अचानक से उन लोगों का सामना होता है खौफनाक भूतनी से। भूतनी उन लोगों को बंगले के अंदर कैद कर लेती है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है वो जाके एपिसोड 1 और 2 देख लो। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरे दादी, ये हम अचानक से कहाँ गए? हम तो कहीं और थे ना। हाँ, पता नहीं। ये मेरा बंगला है, मेरी जहाँ इच्छा मैं वहाँ तुम्हें लेकर जा सकती हूँ। अगर ऐसा है तो प्लीज भूतनी जी मुझे मेरे घर पहुँचा दो। मूर्ख बच्ची, तुझे मजाक सूझ रहा है? जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीसती हूँ लोगों को जागर, शक्ति दो बजरंगबली। ए भूतनी, बदसूरत कहीं की? क्या तब से चिल्लाई जा रही है? अगर गले में कोई दिक्कत है तो बता, मैं भी तेरे को विक्स की गोली लाके देती हूँ। अरे दादी, क्या बकवास कर रहे हो? ये आपकी कोई बहू थोड़ी ना है जो आप इसको डांट रहे हो। अरे भूतनी है भूतनी। बहू? अरे बहू ही तो बनना है मुझे। बहू बनेगी? माई फुट। मैं नहीं डरती तेरे जैसी भूतनी से, समझी? बोला था ना कि तुम यहाँ आए नहीं हो, लाए गए हो। बहू तो मैं बन के रहूंगी। हे भगवान, अब ये कौन सी बला मेरे पीछे पड़ गई, अब क्या करूं मैं? भूतनी जी, आप ना एक काम करो, मुझे यहाँ से जाने दो, आप इसकी बहू बन जाओ। भैया, मैंने सुना है भूत लोगों के पास दिमाग नहीं होता, उन्हें बस डराना आता है। मेरे पास सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि 7 और लोगों का दिमाग भी है, क्योंकि मैंने उन्हें जिंदा ही खा लिया था। अरे तुम दोनों इतना मत डरो इस भूतनी से। माना इसने 7 लोगों को खाया है लेकिन ये हम लोगों को नहीं खा सकती। क्यों दादी, हमें क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार को ये कैसे नॉनवेज खाएगी? बेवकूफ बुढ़िया। देखो भूतनी जी, हमने ना यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोग ना यहाँ से अभी चले जाएंगे, बस एक बार ना मेरी मम्मी और मेरा दोस्त मिल जाए। वो दोनों तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों, क्या किया तुमने उनके साथ? अरे ओ भूतनी, तुझे शर्म नहीं आती? मरने के बाद भी किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाती है। अरे ओ दादी, क्या बकवास करे जा रहे हो? मैं मतलब इतनी देर से इस भूतनी को शांत कराने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और आप यहाँ पे उल्टा इसको भड़का रहे हो। अरे भगवान के लिए, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, शांत हो जाओ। देखो भूतनी जी, एक बार ना बस मेरी मम्मी और मेरा दोस्त मिल जाए, उसके बाद ना हम यहाँ से चले जाएंगे। हमसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज भूतनी जी, प्लीज हमें माफ कर दो भूतनी जी, और मम्मी और मेरे दोस्त को लौटा दो। अरे कितनी बार बताऊं कि तुम सब यहाँ आए नहीं हो, लाए गए हो। कितनी सदियों बाद तुम मेरे जंगल में कोई फंसा है, तू इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? भूतनी जी, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। हाँ हाँ, प्लीज हमें जाने दो, वरना मेरे फैंस परेशान हो जाएंगे। देखो भूतनी बेटा, थोड़ी इंसानियत दिखा। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी,
थोड़ी बुतानियत दिखाओ। परसों मेरी डेट है। डेट से याद आया, तुम लोगों को आजादी तभी मिलेगी जब तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। इच्छा? कैसी इच्छा? बहुत भूख लगी है ना तुम सबको, तो फिर तुम्हें मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर करना होगा। उसके बाद ही मैं सोचूंगी कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं। हैं? अरे ये क्या बात हुई? भैया मुझे लगता है ये कोई फिल्मों वाली प्यासी आत्मा है। अरे तू चुप बैठ जा वरना इसके आगे फेंक दूंगा तेरे को। देखो भूतनी बेटा, ये कोई तुम्हारी उम्र है ऐसे शौक पालने की? देखो रचित बेटा, इसको ये मत बताना कि हम तुम्हारी होने वाली बहू के घर जा रहे थे, पता नहीं चिढ़ जाएगी और चिढ़ के क्या कर बैठेगी। ए पागल बुढ़िया, बकवास बंद कर। मैं सब जानती हूँ, ज्यादा चड़ाक बनने की कोशिश मत कर। देखो भूतनी जी, आप ना प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं आपके साथ कोई डिनर विनर नहीं कर सकता। आप ना प्लीज हमें जाने दो प्लीज। देख रचित बेटा, मैं तो इस भरी जवानी में मरना नहीं चाहती, तू इस भूतनी की बात मान ले, इसी में हम सब की भलाई है। हाँ भैया प्लीज मान जा, अगर मैं मर गई ना तो मेरे फैंस इंटरनेट पे लॉकडाउन लगा देंगे। अरे बकवास बंद करो यार तुम दोनों, नहीं यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या? बोल दिया ना मैं इस भूतनी के साथ कोई कैंडल लाइट डिनर नहीं करने वाला। भैया ऐसा मत कर, देख इसी बहाने ना मैं तेरी वीडियो बनाकर तुझे रातों रात वायरल कर दूंगी और वीडियो का टाइटल रखूंगी कैंडल लाइट डिनर विद भूतनी। पूरी दुनिया में एकलौता इंसान ऐसा तू होगा जिसने भूतनी के साथ कैंडल लाइट डिनर किया होगा। रचित बेटा प्लीज मान जा, देख वीडियो वायरल जाएगी और पैसे भी आएंगे। अरे दादी बकवास बंद करो यार। आइडिया। अरे भूतनी जी आप एक बात बताओ, मेरा भाई आपके साथ कैंडल लाइट डिनर करे भी तो कैसे करे? आपने अपने दांत देखे हैं? कितने सालों से ब्रश नहीं करी? रुको मैं आपके लिए गाड़ी से ब्रश लेके आती हूँ। हाँ हाँ भूतनी बेटा, चीनू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम अपने बाल देखो, कपड़े देखो, तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हारे साथ कौन रोमांटिक हो पाएगा? मैं भी तुम्हारे लिए ना कार से शैम्पू और कंडीशनर लेके आती हूँ। हाँ हाँ भूतनी जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं बिना आपके लिए एक अच्छा सा गुलाब लेके आता हूँ ताकि हमारी अच्छे से डेट हो जाए। अभी जाता हूँ, आप यहीं इंतजार करना। दादी ये भूतनी तो बिल्कुल ही कम अकल है, अब जल्दी से मम्मी को और रंगीले को ढूंढते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। चलो 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 चलो। मम्मी रंगीले, यार कहाँ गए ये लोग? अबे यार कितनी सुंदर लड़की है ये, और एक ये देखो मेरे घर वालों ने मेरे लिए क्या पसंद कर रखा है। छी, इससे तो कोई भूत भी शादी ना करे। एक काम करता हूँ, इसे जाके प्रपोज करता हूँ और शादी की बात पक्की कर लेता हूँ, सुंदर लड़की वाइफ भी बन जाएगी और इस डायन से भी पीछा छूटेगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं तो बेस्ट फ्रेंड? अच्छा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं तो सिर्फ फ्रेंड बनोगी? अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना मे भी कुछ तो बोलो यार प्लीज। नहीं नहीं गुस्सा मत करो, देखो मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, कोई फोर्स नहीं कर रहा, जब तुम्हारे मन में हो दिल में हो जब मन करे तब बोल देना। देखो जब तुम्हें लगे कि बोल देना चाहिए तब बोल देना, मेरे फोर्स करने से अगर बोल भी दिया तो फिर क्या फायदा, बोला ना बोला एक बराबर है, ऐसे बुलवा के क्या ही मिलेगा। चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप चुप। नहीं सोच के चुप हो जाओ और तमीज से प्रपोज करो। नहीं
मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुमसे भी तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, प्यार में कभी चीटिंग भी नहीं करूंगा और ना ही तुमसे कभी झूठ बोलूंगा। मतलब बोलूंगा लेकिन छोटा मोटा झूठ बोलूंगा, ऐसा नहीं कि जो प्यार में बेईमानी हो जाए। पक्का? अगर मैंने अपना असली रूप दिखा दिया तो भागोगे तो नहीं? और क्या रूप देखना बाकी है, इससे सुंदर रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम किसी भी रूप में हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। सोच लो, भागोगे तो नहीं? मम्मी कसम, जाओगी तो तुम ही जाओगी। आई लव यू टू। तेरे प्यार में बस भीगे भीगे भीगे। लो अब देख लो मेरा असली रूप। उठा लो इसे। ये मेरे बंगले का पहला खिला हुआ गुलाब, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू भूतनी जी। पियो इसे। चलो अब उठाओ इसे और पियो। वैसे भूतनी जी ये है क्या? चमगादड़ का खून है? मैं नहीं पी रहा भूतनी जी, क्या है ये? पियो। अरे ये कैसे पीऊंगा मैं? पियो, फिर से। पीता हूं, पीता हूं। पी लिया भूतनी जी, पी लिया। स्वादिष्ट है ना? अब तो मुझे अपने हाथों से पिलाओ इसे यहाँ आकर। अरे इसकी क्या जरूरत है भूतनी जी, आपने वो डायलॉग नहीं सुना क्या? दो गज की दूरी, जिंदा रहना भी है जरूरी। अरे भैया क्या कर रहा है तू? वो बेचारी इतने प्यार से बोल रही है, उसको पिला देना, ऊपर से मेरा व्लॉग भी खराब कर रहा है तू। अरे चुप रह यार, बकवास बंद कर। अगर तेरे को इतना ही प्यार आ रहा है उस पे, तो जा तू जाके पिला देना, मुझे नहीं मरने का शौक, तू जाके मर। क्यों तुम दोनों भाई बहन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? जहाँ रहते हो वहाँ चिड़िया घर बना देते हो। जब मैं नहीं खेलती ये खेल, मैं जा रही हूँ बाहर। ए बुढ़िया, होशियारी नहीं। अरे भूतनी जी थोड़ा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। इतना गुस्सा ना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या? किसकी सेहत की बात कर रहा है? इंसान नहीं है वो, भूतनी है, भूतनी। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन तू अपनी बकवास बंद कर। मैं तो बस भूतनी जी को ना थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेबी काम डाउन, काम डाउन। यो दिस योर बॉडी पुट्स इन माय हार्ट फॉर लॉकडाउन, ओ लॉकडाउन। नो 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 नो, वो 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 वो। चल अब जल्दी से आकर मुझे पिला। आता हूँ भूतनी जी, आता हूँ। सोया था नस नस में, अब ये जग गया लबों के छूने। लो पिलाओ मुझे। खाबों के कोने से लहू मुलग गया। भूतनी जी आपने बोला था पिलाने के लिए, मैंने पिला दिया। दादी मुझे ना इस भूतनी की नियत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। अरे मैंने तो पहले ही बोला था ये कोई फिल्मों वाली प्यासी आत्मा है। देखो भूतनी जी आपकी जो इच्छा थी हम लोगों ने वो पूरी कर दी, अब प्लीज मेरी मम्मी को और मेरे दोस्त को छोड़ दो और हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। हाँ भूतनी बेटा, देखो अच्छे भूत ऐसे परेशान नहीं करते, हमें जाने दो प्लीज। नहीं तुम नहीं जा सकते। अरे क्यों भूतनी जी, अब ये तो चीटिंग है ना। सदियों से मुझे एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो दिल का साफ हो, दिखने में स्मार्ट हो और जिसमें मुझे मेरे लिए सच्चा प्यार दिखाई दे, और आखिरकार
तुम मुझे मिल गए क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे मेरे लिए सच्चा प्यार दिखाई देता है। कुछ भी तो अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। नहीं 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 नहीं, देखो भूतनी जी, ये ना किसी कीमत पर नहीं हो सकता। नहीं, हे भगवान, लगता है अब तो हम सब मरने वाले हैं। नहीं नहीं दादी, ऐसे मत बोलो, आपकी तरह परसों मेरी भी डेट है। अरे अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। डेट का मतलब परसों मेरे फैंस के साथ मेरा मीटअप है। अगर तुम्हें अपनी माँ और अपना दोस्त वापिस चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, उसके बाद ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अरे हमें क्या मतलब भूतनी जी आपकी मुक्ति से, आपकी जो इच्छा थी हमने वो पूरी कर दी, ठीक है ना? और मैं नहीं कर रहा कोई शादी वादी। उबर मौलाना साहब, ये बम कैसे फटा? वो होता रहता है। सुन बे, जितना जल्दी हो सके इस बंगले से निकल जाओ। अरे ओ, मुझे ना यहाँ इस बंगले में रहने का कोई शौक नहीं है। वो देखो, मेरी दादी और मेरी बहन वहाँ पे बेहोश पड़े हैं, और मेरी मम्मी और मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ गायब है। उनको छोड़ के कैसे जाऊं मैं? लगता है ये भूतनी ऐसे नहीं मानेगी। अब देखो तुम। इन द नेम ऑफ गॉड, होली वाटर। फादर, इस पर तो इस चीज का भी कोई असर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी मेरे वार खत्म नहीं हुए। अब देखना तुम। बाबा, लगता है ये भूती ना नास्तिक है, इसलिए इस पे कोई असर नहीं हो रहा। अब लगता है मुझे मेरा सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन वो करने का मन भी तो नहीं है। लेकिन याद करके भूत मानते भी तो नहीं है। अरे यार बाबा, क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे हमारी जान खतरे में अटकी पड़ी है और आपको डायलॉग मारने की सूझ रही है? अरे जो भी आपका बड़ा हथियार है उसको निकालो और हम सबको इस भूतनी के चंगुल से बचाओ। अब देखना तुम। मैं तुम्हें इसके चंगुल से तो निकाल दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे पता करना होगा ये भूतनी बनी कैसे। ए मायावी भूतनी, बता मुझे क्यों पीछे पड़ी है इस लड़के के, क्या चाहती है? बता मुझे।
मेरी कहानी जाननी है तो सुन, ये बात है सदियों पहले की। मैं अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। मैं अपने प्रेमी विनोद से बहुत प्रेम किया करती थी। और वो भी मुझसे बहुत प्रेम किया करता था। और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले थे। लेकिन उन दुष्ट गांव वालों ने हमारी शादी नहीं होने दी। विनोद के घर वालों ने विनोद की शादी कहीं और जबरदस्ती करवा दी और मेरे घर वालों ने मुझे जबरदस्ती घर में कैद कर दिया। मैं विनोद की याद में रोती रही, तड़पती रही। और एक दिन मैंने तड़प कर अपनी जान दे दी। तब से मुझे मेरे प्रियतम की तलाश है और आज जाके मेरी तलाश खत्म हुई। तो मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे मेरे प्रियतम से शादी करने दो। बाबा जी, प्लीज जल्दी से कुछ करो। मैं एक भूतनी के साथ शादी नहीं कर सकता। अभी तो मेरे को अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। बाबा जी प्लीज कुछ करो। बाबा जी अभी तो यूट्यूब पे मेरे बस 12 मिलियन सब्सक्राइबर है। भाई लोग यार एटलीस्ट 15 मिलियन सब्सक्राइबर तो कर दो। देख लो यार, तुम्हारे भाई की जिंदगी खतरे में है। बालक तू चिंता मत कर, मुझे पता चल चुका है इस भूतनी को क्या चाहिए और इसको कैसे वश में करना है। कम ऑन बाबा जी, कम ऑन, यू कैन डू इट। यस बाबा जी, यस यू कैन डू इट। अब तो ये भूतनी नहीं बचेगी, गई है भूतनी अब तो। यस बाबा जी। हाँ लैपटॉप। अरे बाबा, आपने काम का सामान तो साइड में रख दिया, अब इस लैपटॉप से क्या करोगे आप? बाबा जी इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास, हम सब की जिंदगी खतरे में है। चुप बालक, बोला ना तू परेशान मत हो और ना मुझे परेशान कर। ए भूतनी, ये ले, इसमें तुझे तेरा मन चाहा पति मिल जाएगा। अबे ओ बेवकूफ तांत्रिक, तुझे पता नहीं है क्या कि मेरे अंदर 7 लोगों का दिमाग है, क्योंकि मैं 7 लोगों को खाकर अजम कर चुकी हूँ। ए भूतनी जा, तेरे 7 खून माफ करे, लेकिन पागल खोपड़ी तूने जिन लोगों को खाया है ना वो तेरे जमाने के थे और ये आज के जमाने का इंस्ट्रूमेंट, मतलब आज के जमाने का यंत्र है। ये देख, ये है 7 फेरे हम तेरे .com, इस पे तुझे तेरा मनचाहा पति मिल जाएगा। ए दादी, दिमाग की गई मत कर वरना भी कच्चे से मार जाऊंगी तुझे। ए पागल भूतनी, गुस्सा क्यों हो रही है? अगर नहीं विश्वास तो ले, खुद देख ले। जदे क्या अबे ओ तांत्रिक, ये क्या चीज है और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? अबे स्लाइड कर ऊपर स्लाइड। अबे ऊपर स्लाइड कर ऊपर। अरे भूतनी जी, इसको ना ये जो है ना ऐसे उस पे उंगलियों से ऐसे ऐसे स्लाइड करो, ऊपर ऊपर स्लाइड करो। हाँ हाँ हाँ, करो 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 करो। हाँ ऐसे ही करो करो करो। बाबा जी लगता है बात बन गई, लड़के देख रही है लड़के, कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगा। अच्छे से देखो, अच्छे से जो अच्छा लगे उसे पसंद कर लेना। हाँ 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 ऐसे ही, देखो देखो और भी अच्छे अच्छे लड़के देखने को मिलेंगे। देखा बाबा जी का जादू? बालक तू निकल यहाँ से, इससे पहले भूतनी कुछ और करे। अरे यार बाबा, आप क्या कोई बैरे इंसान हो क्या?
आपको भी बताया मैंने, मेरी दादी और मेरी बहन यहाँ पे बेहोश पड़े हैं, और मेरी मम्मी और मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ गायब है, और तो और मेरी गाड़ी भी खराब हुई पड़ी है, मैं अकेला कैसे जाऊँ? बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, और तुम्हारी कार खराब नहीं हुई थी, ये सब एक जाल था ताकि किसी तरीके से तुम्हें यहाँ लाया जा सके। लेकिन मेरी मम्मी और मेरा दोस्त वो कहाँ है? अरे तुम्हारे मम्मी और तुम्हारा दोस्त गाड़ी में सही सलामत है, और स्टार्टिंग में मैं उन दोनों को देख के समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं तुम सबको इस बंगले में आने से रोक रहा था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने तुम लोगों को बंगले की चाबी दे दी। खैर छोड़ो ये सब, तुम लोग निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन बाबा जी प्लीज मेरी दादी और मेरी बहन का भी तो कुछ करो, देखो बेहोश पड़े कितनी देर से। मैं हूँ बाबा इक्का, भूतों में चलता है मेरा सिक्का, कभी कभी जब मूड होता है तो पैग ले लेता हूँ मैं, निक्का निक्का। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। अरे वो सब तो ठीक है, अब जल्दी निकलो यहां से, निकलो। चलो शुक्र है भगवान की दया से जान तो बची। हाँ 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 जल्दी निकलो यहाँ से। अरे निकल रहे अंकल निकल रहे हैं, हमें यहाँ रुकने का शौक नहीं है कोई, लेकिन एक बात बताओ आप दिन में ये लाइट और लालटेन लेके क्यों घूम रहे हो, इसका काम तो रात में होता है ना। एक्सक्यूज मी, आई एम इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ दिस इंडिपेंडेंट कंट्री, मैं कुछ भी करूँ तुझे क्या। अब वो दिमाग मत खराब कर, एक काम कर तू बाड़ में जा, चलो दादी चल चिनुआ। ये शादी का चक्कर ही बेकार है, चलो भगवान की दया से वापस बच के तो आगे सही सलामत। So guys, इसी के साथ हमारी ये खौफनाक ट्रिप यहीं पे समाप्त होती है, बाय गाइस। अरे रचित बेटा ये कौन सी जगह है, अभी तक हम तेरी होने वाली बहू के घर नहीं पहुँचे हैं क्या? हाँ भाई जल्दी चलो उनके घर, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे बेटा कार को धक्का लगाने के बाद क्या हुआ, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। एग्जैक्टली मम्मी आप और रंगीला ना गाड़ी को धक्का लगाते टाइम बहुत थक गए थे, इसलिए आपको कुछ होश नहीं है, और वैसे ना अब हम कहीं नहीं जा रहे, हम जा रहे सीधा घर पे, मेरे को नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे नालायक मुझे अच्छे से पता है तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के चक्कर में है, इसीलिए तो हमें घर वापस लेके जा रहा है। अरे दादी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, और एक बात बताओ आपको ये इतनी बदसूरत बहू मिली कहाँ से, वो भी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर। अरे वो मैंने सात फेरे हम तेरे .com से पसंद की है, और बदसूरत है तो क्या हुआ, अमीर बहुत है बेटा। सात फेरे हम तेरे, अरे दादी ये कौन सी बकवास है, अब देखो मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, चलो यहाँ से अब घर चलते हैं। चलो पतिदेव घर चलते हैं। अरे भूतनी जी आप यहाँ पे कैसे? साथ फेरे हम तेरे .com बचाओ। तो गाइस इसी के साथ अपना भूत बंगले का सीजन नंबर 1 होता है खत्म, तो भाई जी जिसको अभी सीजन नंबर 2 चाहिए वो जल्दी से कमेंट कर देना, लेकिन सीजन 2 लेके जब आऊंगा जब आप तीनों एपिसोड्स को बहुत ज्यादा प्यार दोगे, मतलब 5-7 मिलियन व्यूज तो भाई होने ही चाहिए ना हर एपिसोड के ऊपर, तभी तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगी कि मैं अगला सीजन बनाऊं। बाकी भाई ये एपिसोड कैसा लगा, स्पेशली 3rd एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बता देना, भाई कौन सा कैरेक्टर पूरे तीनों एपिसोड्स में से बेस्ट लगा, किसका किरदार आपको सबसे बढ़िया लगा, कौन सा घटिया लगा, जो भी है मतलब एक्स वाई जेड कमेंट करके बता देना। और भाई वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक जरूर करना, क्योंकि यार देखो लाइक नहीं करोगे तो भाई क्या क्या फिर क्या फायदा, भाई लाइक नहीं करोगे इतनी मेहनत का क्या फायदा लाइक नहीं करोगे तो, और कमेंट भी जरूर करनी है। मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूँ कितने लोगों को सीजन 2 चाहिए, और सीजन 2 तभी आएगा जब
इस वाले सीजन को, तीनों एपिसोड्स को बहुत ज्यादा प्यार दोगे। तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है? जल्दी से, अभी 12 मिलियन जस्ट होने ही वाले, तो जल्दी से 12 मिलियन करवा दो। 12 हो जाएगा तो फिर जल्दी से 15 करवा दो। तो चलो भाई, जल्दी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे। बाकी भाई, सावन स्टार्ट हो गए तो आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, वीडियो देखो, मौज मारो, ऐश लो, ठीक है भाई? चलो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइस।